चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। पुरानी बात है, एक खूबसूरत रानी थी जिसकी दिली तमन्ना थी कि उनकी एक बेटी हो। काश मेरी अपनी औलाद होती, एक सुंदर सी बेटी जिसकी त्वचा बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद होती, जिसके होंठ गुलाब की तरह लाल होते और बाल कोयले जैसे काले। और कुछ ही दिनों में रानी की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पर दुख की बात है कि जब स्नो वाइट बहुत छोटी थी तब रानी बीमार हो गई और चल बसी। स्नो वाइट के पिता राजा ने फिर दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी रानी राजा और स्नो वाइट के साथ महल में रहने आ गई। नई रानी बहुत खूबसूरत थी पर वो बहुत घमंडी और खराब औरत थी। उसके कमरे में एक जादुई बोलने वाला शीशा था। हर सुबह वो उसके सामने खड़े होके एक ही सवाल पूछा करती। दीवार पर लगे जादुई शीशे, मुझे बताओ सबसे गोरा कौन है? जादुई शीशा हमेशा सच बताता कि रानी ही सब में गोरी है। आप महारानी, आप हैं पूरी दुनिया में सबसे गोरी। रानी शीशे का जवाब सुनके हमेशा खुश होती क्योंकि उसे पता था कि शीशा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बहुत साल बीत गए, खूबसूरत लड़की स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। सभी लोग स्नो वाइट की खूबसूरती की सराहना करते। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले, जैसा उसकी माँ ने चाहा था। एक दिन बुरी रानी ने फिर शीशे के पास आकर पूछा। दीवार पर लगे जादुई शीशे, बताओ मुझे कौन है सबसे गोरा? बुरी रानी को जादुई शीशे का जवाब सुनके हैरानी हुई क्योंकि आज उसका जवाब कुछ और था। स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट है दुनिया में सबसे गोरी। हाँ, नहीं। बुरी रानी को पता था कि जादुई शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। उसे स्नो वाइट से जलन होने लगी थी। एक दिन जब राजा कहीं गया हुआ था तो बुरी रानी ने शिकारी को अपने कमरे में बुलाया। तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ाओ और आते समय उसके थोड़े बाल लेते आना। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गए। उसे एक चोटी पे ले जाके उसने स्नो वाइट को धक्का मारने की तैयारी कर ली पर उसकी मासूमियत देखकर वो रुक गया। राजकुमारी स्नो वाइट, आपकी सौतेली माँ यानी जालिम रानी ने आपको मारने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप इसी जंगल में कहीं रुक जाइए, फिर दोबारा राज्य की तरफ कभी मत आइएगा। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में छोड़कर चला गया पर जाने से पहले वो उसके बालों का गुच्छा अपने साथ ले गया। शिकारी ने महल में पहुँच के बुरी रानी को बालों का गुच्छा दे दिया। स्नो वाइट चली गई और एक बार फिर मैं बन गई सबसे गोरी।
जंगल में घूमते घूमते स्नो वाइट को पहाड़ों के पास एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो उस घर में गई और वहाँ उसे मेज पर बहुत स्वादिष्ट खाना दिखाई दिया। सात छोटी प्लेट्स, इनमें तो स्वादिष्ट खाना भी है। स्नो वाइट को इतनी भूख लगी थी कि उसने सारा खाना खा लिया और फिर वो आराम करने कमरे में चली गई। ओह, यहाँ तो सात छोटे छोटे बिस्तर भी हैं। यहाँ जरूर सात छोटे बच्चे रहते होंगे। क्यों ना मैं भी एक झपकी ले लूं जब तक वो वापस आते हैं। थक कर स्नो वाइट सो भी गई। वो घर सात बौनों का था। वो पहाड़ों में खदान में काम करते थे और जब वो शाम को वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके घर में कोई और भी है। हाँ? हमारा खाना कौन खा गया? हाँ? हमारे बिस्तर पर कौन सो रहा है? स्नो वाइट बोनो की आवाज सुनकर उठ गई। उसने उन्हें बताया कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी अगर मैं महल में वापस गई तो। वो सात बोने स्नो वाइट के साथ बहुत प्यार से पेश आए और उन्होंने उसे अपने घर में रहने दिया। तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन जब हम यहाँ नहीं होंगे तुम्हें सावधान रहना होगा और किसी को भी इस घर में घुसने मत देना, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने आ सकती है। स्नो वाइट को सात बौनों के साथ रहने में मजा आ रहा था। वो उसके साथ बहुत अच्छे से रहते। उसे उनके साथ रहने में सुरक्षित लगता और खुशी भी होती, क्योंकि शिकारी ने बुरी रानी को उसके बाल दे दिए थे। उसे लगता था कि स्नो वाइट मर चुकी है और इसलिए जादुई शीशे के सामने जाने में वो चौंक गई। दीवार पर लगे जादुई शीशे, मुझे बताओ सबसे गोरा कौन है? स्नो वाइट। स्नो वाइट है दुनिया में सबसे गोरी। लेकिन स्नो वाइट तो मर चुकी है। बुरी रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब जादुई शीशे ने दिखाया कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है। बुरी रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट से अपने आप छुटकारा पाने का सोचा। पहले उसने एक भिखारी का रूप धारण किया और फिर एक जहरीला सेब लेकर बौनों के घर पहुंच गई। स्नो वाइट बिल्कुल अकेली थी जब बुरी रानी उसके घर पहुंची। कोई है? क्या कोई घर पर है? मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? आपकी हालत तो बहुत खराब है, अंदर आ जाइए। स्नो वाइट बुरी रानी के जाल में फंस चुकी थी। उसने उसे घर में बुला लिया। तुम बहुत अच्छी हो। इस सेब को मेरा धन्यवाद समझकर रख लो प्यारी बच्ची। धन्यवाद। थोड़ा सा चख कर इसे देखो मेरी बच्ची और बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। स्नो वाइट ने उस बुरी रानी को नहीं पहचाना और उसने अनजाने में थोड़ा सा सेब खा लिया। मेरा सिर। जहरीले सेब को खा के स्नो वाइट बेहोश सी हो गई। अब फिर से सबसे ज्यादा गोरी बस मैं ही हूँ। जब बौने घर लौटे
तो उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश पड़े हुए देखा। अरे नहीं, स्नो वाइट को कुछ हो गया है। देखो, यहाँ पर एक सेब पड़ा हुआ है। अरे नहीं, लगता है वो जालिम रानी यहाँ आई थी। सेब को देखकर लगता है इसमें जहर मिला है। उम्मीद है बेचारी की जान न गई हो। बेचारे बौने बस रोए जा रहे थे। वो स्नो वाइट को पहाड़ की चोटी पे ले गए और वहीं उसके पास बैठ गए। कुछ समय बाद एक उदार और सुंदर राजकुमार वहां आया। स्नो वाइट की खूबसूरती देख के उसके होश ही उड़ गए। कितनी खूबसूरत है ये लड़की, लेकिन इसका चेहरा पीला और शरीर ठंडा क्यों पड़ा है? राजकुमार के गले लग के स्नो वाइट उठ गई। राजकुमार और सात बौने स्नो वाइट को जगा हुआ देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसका खूब ख्याल रखा, जिससे वो जल्द ही स्वस्थ हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। फिर राजकुमार ने स्नो वाइट से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। राजकुमारी स्नो वाइट, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जब बुरी रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, उसने उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने का सोचा। पर इस बार राजकुमार और सात बौनों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके कुछ करने से पहले उन्होंने उसके जूते जादुई जूतों से बदल दिए, जो बस चलते ही रहते थे। हाँ? मैं रुक क्यों नहीं पा रही? मैं कहाँ जा रही हूँ? स्नो वाइट और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहे। सिंड्रेला अपने घर पहुंच गई जैसे ही घड़ी में 12 बजे, और ठीक उसके बाद सारा जादू गायब हो गया। सिर्फ उसके पैरों का कांच का जूता नहीं बदला। जब तक उन बच्चों को इसका एहसास हुआ कि वो बूढ़ी औरत बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है जिसने उन्हें फंसाने के लिए मिठाइयों का घर बनाया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी चुड़ैल ने हैंसल को पिंजरे में कैद कर लिया था। वो चुड़ैल रपंजल को एक ऐसे कमरे में रखती थी जो एक ऊंची मीनार पर बना था। कई साल बीत गए, रपंजल बड़ी होकर एक सुंदर सी लड़की में बदल गई और उसके बाल बहुत लंबे, घने और सुनहरे थे। हेलो, नन्ही रेड राइडिंग हुड अपने माता पिता के साथ जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। ये लो बनी, गाजर खाओ।